नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पैन कार्ड से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा पैन कार्ड है, ये फ्रंट देखिए, आप इसका ज्यादा दिखाते नहीं है वैसे पैन कार्ड, इसलिए हवा में दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप इसमें देखेंगे जो आपका पैन नंबर लिखा है उसमें से जो फोर्थ वाला नंबर है, मतलब 1, 2, 3 छोड़ के चौथा लेटर जो है वो अगर आपका पी है तो आपका पर्सनल हुआ, यानी कि एकल व्यक्ति का हुआ। तो ऐसे ही अल्फाबेट किस प्रकार से पैन कार्ड में काम करते हैं, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो, सीए के अंडर में हो, फर्म में हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ें अगर रहती हैं कि ये पैन कार्ड कैसे वर्क करता है, या फिर कैसे इस कैपिटल जो इनका कैपिटल लेटर होता है वो उससे आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी हमारे पास सिर्फ पैन नंबर होता है और हमें पता करना होता है कि कंपनी का है कि पर्सनल है कि क्या है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जो चौथा डिजिट है उनका मैं खेल बता रहा हूँ आपका, आपको जो चौथा डिजिट है अगर पी है तो आपका पर्सनल हुआ, और अगर मान लो एफ है, मतलब पी की जगह एफ है, तो वो किसी फर्म का होता है, ठीक है दोस्तों। और उसकी जगह अगर सी है, यानी कि जिस स्थान पे पी और एफ था उस स्थान पे अगर सी है तो वो कंपनी का होगा। तो अगर चौथा स्थान ए है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, एओपी होता है वो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगर आप मान लो चौथे स्थान पे टी है तो आपका वो ट्रस्ट कहलाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, मैंने भी कहीं पढ़ा था, देखा था, तभी आपको बता रहा हूँ। चौथे स्थान पे टी है तो अब वो आपका ट्रस्ट कहलाएगा। तो अगर वो एच है तो एच यू एफ हब, उसका अर्थ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, ये क्लियर कर लेना, मेरे को शब्द पढ़ना नहीं आ रहा है। और अगर बी है तो बी ओ आई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और अगर एल है तो लोकल आएगा, वो लोकल का होगा। और अगर जे है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल, ठीक है। और जी है तो ये गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर है, जो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अगर ऐसा पैन कार्ड आपके पास है या सिर्फ उसका नंबर है तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो पर्सनल है या कंपनी का है या फर्म का है या गवर्नमेंट का है या किस चीज से वो बिलोंग करता है। और ये आपको आपकी लाइफ में काफी टाइम मदद कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन, कि कुछ लोगों को जो पता नहीं होता वो आपको अगर पता होता है तो वो समय आपके लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं होता, क्योंकि आपकी वह हवाई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलूंगा दोस्तों आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए एजुकेशन पर्पस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।